आज हम जाने वाले हैं। गाड़ी में पेट्रोल ना बहुत कम है। फाइनली पहुंच चुके जूनियर स्टेशन के यहाँ पर। ना मेरे हेलमेट के ऊपर लगाता हूँ। बीच में लेफ्ट साइड आपको जूनियर मिल रहा है। कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमेश और आप देख रहे हो मुंबई का लड़का व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं जूनियर। तो जूनियर ना मेरे घर से बहुत मतलब सा 10 किलोमीटर के अंदर ही आता है। तो आज ना हम स्कूटी से जाएंगे हमारे। तो आज का व्लॉग मोटो व्लॉग भी होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। प्लस जो एक ब्रिज है वहाँ पर जो कि ना एक पिक्चर था जो ना उसमें यूज़ किया गया था रंगीला पिक्चर में, आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। और वहाँ पर एक गार्डन है और बाकी क्या देखेंगे मुझे इतना उधर का इतना प्लेस पता नहीं है, तो वहाँ पर जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी स्कूटी है तो अभी हेलमेट पे माउंट करता हूँ गोप्रो को और फिर आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू आता है। तो गाइस, फाइनली अपना गोप्रो सेट हो चुका है। वैसे कुछ व्यू है अपने गोप्रो से स्कूटी का, तो कैसा लग रहा है बताओ। तो गाइस, गाड़ी में पेट्रोल ना बहुत कम है। सबसे पहले अभी ना पेट्रोल भराएंगे और फिर बढ़ेंगे। चलो फाइनली पेट्रोल पम्प तो आ गए। चलो गाइस, फाइनली पेट्रोल तो भर लिया। अरे अंकल रुक जाओ। तो अभी मैं वो घंटरी नाका के इधर, तो यहाँ से अभी हमें जाना पड़ेगा कोपर का नाका, वहाँ से वाशी से हमें श्रीनगर। तो ऐसा कुछ रास्ता है, तो वीडियो में बने रहना और आपको कैसा लग रहा है बताना। कि फर्स्ट टाइम मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और मेरे पास माइक तो नहीं है, इसलिए ऐसा वॉइस क्वालिटी आ रहा होगा आपको, तो एडजस्ट कर लेना। तो चलो अभी सीधा मिलते हैं श्रीनगर और तब तक मोटो व्लॉग इंजॉय करना। चलिए अंकल जी। गाइस, आंखों में कीड़ा चला गया। पहुंचा हूँ हाईवे के साइड पे। हमको ना उस साइड जाने का था जहाँ पर लोकल लोग रहते हैं। तो यहाँ पर सब ना इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर पीछे साइड पे। तो हमको पता नहीं वहाँ पर कैसे जाने का उस साइड पे। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे और फिर किसी लोकल को पूछ के वहाँ पर जाएंगे। तो चलो पहले नाश्ता करते हैं। ना अंकल ने हमको बताया कि ना यहाँ से थोड़ा आगे जाके ना नीचे से एक ना सबवे है, वहाँ से आपको राइट मारना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी पहले नाश्ता करते हैं। जूनगर है ना, अभी अपने पनवेल से लेके नेहरू तक जो सिटी थे कितना, उसमें ना दोनों साइड पे ना रेसिडेंस मतलब ना लोग रहते थे। तो अभी है ना जूनगर से लेके है ना कोपर खेने रबाले तक है ना, क्या है पता है, एक साइड पे है ना पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब जहाँ पर ना पूरे वेयर हाउसेस है, वहाँ पर पूरा सामान वगैरह है, मतलब इटी से इंडस्ट्रियल एरिया है। और एक साइड में सिर्फ लोकल लोग रहते हैं। तो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये अपना ना रंगीला मूवी में यूज़ किया गया ब्रिज है। तो आपको है ना मूवी का क्लिप दिखा दूंगा मैं, आप देख लेना। चलो अभी बढ़ते उस साइड, सबवे ढूंढना पड़ेगा अपने को पहले। फाइनली पहुंच चुके जूनियर स्टेशन के यहाँ पर। आप सामने देख रहे हो ना, ये जूनियर स्टेशन। तो हम सबसे पहले गाड़ी पार्क करेंगे अपनी स्कूटी और फिर आगे का कार्यक्रम को अंजाम देंगे। ना बारिश गिरा था ना उसका ही पानी नहीं। तो अभी है ना मार्च का सीजन चल रहा है, मतलब समर का सीजन, और इसमें इतना पानी नहीं, समझ रहे हो। गाइस, मैं अभी खड़ा हूँ जूनियर स्टेशन के हाईवे के साइड के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का पीछे का लोकेशन आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपने वीडियो में देखा भी होगा मोटो व्लॉग के साथ। से गोप्रो को माउंट करेंगे और बढ़ते अपने पार्किंग की तरफ। पार्किंग ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो चलो चलते हैं।
तो गाइस फाइनली जूनियर स्टेशन के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम ना यहाँ से पहले ना जो ब्रिज बोला था मैंने, जो पहले से बोलते आ रहा हूँ, तो अभी आपको सबसे पहले वो ब्रिज दिखाऊंगा मैं। तो चलो बिना किसी देर के चलते हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके फिर से हमारे उसी हाईवे के साइड की इधर। तो यहाँ से मेरे सामने वो ब्रिज दिख रहा है मुझे, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो ठीक। आप देख सकते हो ऐसा ब्रिज है कुछ, और यहाँ से ये है अपना पनवेल जाने का रास्ता, पनवेल पुणे, और ये अपना थाना जाने का, मुंबई साइड जाने का रास्ता है। तो रंगीला पिक्चर में जो सॉन्ग है उसमें जो यूज़ किया था ना, उसका ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वो भी टाइमलाइन के साथ। तो आप डायरेक्ट ना उस लिंक के ऊपर क्लिक करो ना, आप डायरेक्ट ना उसी टाइम के ऊपर पहुँच जाओगे ना जिस समय पर ना ये ब्रिज का यूज़ किया गया था उस सॉन्ग में। और गाइस ये ब्रिज इतना कुछ फेमस है पता है, क्योंकि ना बारिश के टाइम पे इतना एकदम इतना प्रॉपर दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूरा पानी का फूल नीचे के यहाँ पर जाता है, और ना बहुत खूबसूरत दिखता है क्योंकि बहुत कलरफुल है, और ना इसका जो व्यू है ना आजू बाजू का बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको बोल रहा था ना यहाँ पर TTC इंडस्ट्री ले रहा है, वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी सारे जो दिख रहे हो ना पूरे पोल्स वगैरह, वो सारे फैक्ट्रीज है यहाँ के। अभी ना नेहरू पार्क को ना हम चलते जाएंगे, क्योंकि है ना जूनियर स्टेशन से लगभग ना एक किलोमीटर दूर है, और हमको शाम को ना जूनियर पूरा गाड़ी के ऊपर घूमने का है, तो हमारे पास एक ही बैटरी है, तो अभी यहाँ से चल के जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना मुझे ना चाय पीने का मन कर रहा है, तो अभी ना यहाँ पर सबसे पहले चाय पियेंगे। आपको जूनियर को विजिट करना है ना, आपको CST से और थाना से सेंट्रल लाइन से आप पल्ली की गाड़ी पकड़ सकते हो, और हार्बर लाइन से आपको मस्जिद कुरला गोविंड से गाड़ी मिल जाएगी, और वेस्टर्न से आपको पनील की गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, और आप यहाँ पर आ सकते हो, और ठीक है विजिट करो और इंजॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं चाचा नेहरू उद्यान, जो कि नेहरू में सेक्टर 3 में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे स्कूल छूटने के बाद, और यहाँ पर ज़्यादा बड़ा खेलने का एरिया नहीं है, लेकिन ठीक है आप शाम के टाइम पे अगर थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा क्राउड हो जाता है यहाँ पर तो यहाँ पर इतना रुकने का कुछ वर्थ इट नहीं है। मुझे क्लिक हुआ है कि ना जूनियर में ना अपना एक ना हरिओम का मंदिर है, तो अभी हम उसे विजिट करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस जब मैं अंदर गया ना कैमरा लेके, तो उन्होंने कैमरा नोटिस कर लिया और मुझे पूछा तो क्या कर रहे हैं आप, शूट करना आला नहीं है, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं शूट नहीं कर लूँगा। लेकिन ना वहाँ पर इतना क्राउड बैठा था कि ना इतना हार भी लेके बैठा था ना, तो मैंने उनको पूछा कि ना यहाँ पर क्या प्रोग्राम वगैरह में क्या, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना कल से ना, मतलब कल ना 22 मार्च है, तो कल से ना चैत्र नवरात्रि बोल के ना नवरात्रि का फेस्टिवल चालू होने वाला, जो कि 30 मार्च तक है। तो मुझे भी अभी पता चला कि ना नवरात्रि दो टाइप के रहते हैं, एक चैत्र नवरात्रि और अपना एक 15 अक्टूबर से नवरात्रि है, तो दो नवरात्रि रहते हैं। तो आपको मेरे ना जो गूगल से फोटोज वीडियोज है ना आपको बाजू में दिख रहा होगा, आप देख लो। और इधर से आप अंदर ना गाइस टोटल 5 भगवान थे, श्री मंगेश, श्री महालक्ष्मी, श्री महाकाली, श्री महासरस्वती, और ना पाँचवें हमारे ना माँ दुर्गा थे। वैसे 5 भगवान लाइन से लगे हुए हैं, आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। आपको ना बाजू में गूगल से जो फोटोज आपको दिख रहे होंगे, पूरे नहीं दिख रहे होंगे, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। और मैं जहाँ पर अभी बैठा हूँ ना, तो इस एरिया का नाम है ना नवरात्रि चौक है, और इसके बाजू में ये अपना हरिओम का मंदिर है, स्टेशन से लगभग ना 1 किलोमीटर दूर है, तो आप यहाँ पर इजीली चल के आ सकते हो, गाड़ी से आ सकते हो। बस जूनियर में मुझे इतने सी प्लेस पता थे, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ पता है क्या, तो ना जूनियर इतना अच्छा से एक्सप्लोर नहीं कर पाया मैं, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि है ना अभी मैं GoPro ना मेरे हेलमेट के ऊपर लगाता हूँ, और पूरे जूनियर में जितना हो सके उतना घूमता हूँ। अभी स्टेशन जाते और अपने GoPro को हेलमेट पर माउंट करते और पूरा जूनियर को घूमते, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी मुझे पता है कि ना जो लोग जूनियर में रहते हैं ना, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो ये सामने अपना जूनियर स्टेशन है सामने, तो चलो अभी जूनियर को जरा घूमते हैं, और आप भी देखो जूनियर कैसा है, चलो लेट्स गो। तो जूनियर स्टेशन कैसा पता है क्या, हार्बर लाइन को भी टच रहता है और अपना सेंट्रल लाइन को भी टच है। तो जूनियर है ना बीच में आने वाला एक स्टेशन है, जूनियर सानपाड़ा, ये दो स्टेशन है ना बीच में आते हैं,
और बाकी आप अपने लाइन में ही है, तो इसलिए ना ये दो सान पॉडर जू नगर ना बहुत छोटे छोटे प्लेसेस है, तो इधर देखने से इतने कुछ प्लेसेस नहीं रहेंगे, तो फिर भी अपन लोग ना अभी घूमेंगे पूरे जू नगर को और देखेंगे जितना हो सकता है उतना एक्सप्लोर करने का ट्राई करेंगे। बीच में लेफ्ट साइड में आपको जूही नगर मिलेगा और राइट साइड में आपको सानपाड़ा मिलेगा। तो ये पहली बार देख रहा हूँ नई मूवी में, आपको रास्ते के ऊपर पटर दिखेगा, तो नई मूवी पहली बार देख रहा हूँ मैं, ऐसा भी दिखा मुझे ये भी। ना जूही पाड़ा गांव में जाते हैं, एंटर करते हैं और गांव को दिखाते हैं, जो भी गांव में रहते हैं ना, तो शाउट आउट। चलो ये जूही पाड़ा गांव है, तो जूही पाड़ा वाले गांव वाले लोग देखो, अगर मैं ना एक अच्छी बात लगी मुझे कि ना यहाँ पर रास्ते के ऊपर ना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कचरा नहीं है, मतलब गर्दी नहीं करते लोग, बाजू बाजू अपना अपना गाड़ी लगाते हैं, तो भाई अपने एरिया में रास्ते पे गाड़ी लगाते नहीं, सुलाते भिंडी। सही है, शूट चल रहा है भाई। रेलवे स्टाफ ऑफर्स कॉलोनी जूही नगर है ना, शांत ऐसा खंडर बन चुका है। तो मैं यहाँ पर रेलवे का कॉलोनी है, यहाँ पर ना वर्कर्स लोग रहते हैं, अभी बंद हो चुका है लगता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आंदर जाके देखें। बादल देखो यार, क्या चुम्बेश्वरी बादल लग रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से पूरा जूही नगर का जो 360 व्यू है ना, यहाँ से दिख रहा है देखो आपको, मतलब प्रॉपर तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा तो दिख रहा है ना, देखो इतने में मजा है, खुश रहो उतने में। फाइनली बाहर तो आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर ही कर देना, और कुछ मत करना, ज़्यादा कुछ मांगूंगा नहीं आपसे। तो जूही नगर के लोग ना इस वीडियो के साथ रिलेट कर सकेंगे, और बाकी कई लोग इतना नहीं कर सकेंगे क्योंकि पता है कि जूही नगर में कुछ देखने को नहीं है, लेकिन मैंने जितना हो सके उतना दिखाने का प्रयत्न किया है मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और पीस आउट। और तो गाइस यही तक है सबकी ज़िंदगी, जब तक ये दिन आता नहीं है तब तक
जिंदगी को जियो और जिस जैसा मन चाहे वैसा जियो, किसी का बात मत सुनो और जो मन में आए वो करो, गलत गलत काम मत करो, अच्छा काम करो और अच्छे से जियो।